आई क्या हुआ बेटा इतनी परेशान क्यों है आई वो अरे छुपा इसे कोई देख लेगा आई मैं बहुत गहरी नींद में थी अजिंक्य आए थे क्या ऐसी कैसी नींद है तुम्हारी कि पता ही नहीं चला अगर अजिंक्य नहीं आता तो ये कौन करता वेड़ी कुटली थैंक्स तेरे भाई का भी बढ़िया है अपनी मर्जी से आता है अपनी मर्जी से जाता है पता नहीं तेरी भाभी कैसे झेल रही है उसे इसमें झेलने की क्या बात है घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है एग्जैक्टली घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है करोड़ों की प्रॉपर्टी अलग से अगर ये सब नहीं होता ना तो कब का छोड़ के भाग गई होती तेरी भाभी तेरे भाई को ऐसा कुछ नहीं है मैंनी बहुत खुश है दादा के साथ ये खुशी ना सिर्फ दिखावा है चाहे तो देख लेना अगर कल को तेरी ये भाभी तेरी दूसरी आई बनके तेरे सर पे ना बैठी ना तो बताना मुझे प्लीज मेरी बेटी को बचा लो सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को बचा सकती हो कौन है आप और कौन है आपकी बेटी हाँ मुझे सब पता है कि तुझे पता है कि तेरा पति मेरे बेटी के साथ क्या कर रहा है हाँ चुप तुम उस राक्षस का साथ दे रही हो तुम सब लोग एक जैसे ही हो अरे मैडम मैडम छोड़िए पागल हो गई है क्या पहले ये तो बता मामला क्या है कौन है तेरी बेटी हटिए पीछे हटिए आइए मैडम मैडम आइए आप आइए खड़े हो खड़े हटिए यहाँ से किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना जान से मार दूंगा पता लगाओ सर आप ऐसे बार बार आया मत कीजिए आदत होने लगी है आपकी डर लगता है कहीं दोस्त न मान बैठूं दोस्ती में डर कैसे डर तो दुश्मनी में लगना चाहिए आप अपने काम से आए हैं चले जाएंगे फिर खाली खाली लगने लगेगा ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हैं देख लिया समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक मासूम लड़की का कत्ल और रेप किया फिर भी इतने स्पॉन्स कैसे मैंने अपनी चाल चल दी है आप अपनी चाल चलिए स्नेहल आप अपनी दवाइयाँ तो ठीक से ले रहे हो ना सर सर वो सच में यहाँ पे सर स्नेहल कोई नहीं है ये आपके मन का वहम है आप एक काम करो मैं सुबह सर वो सच में आ छोड़ो स्नेहल सर ये लक्ष्मी है रूपाली की मेड आजकल एक किराना स्टोर चलाती हैं बड़े ठाट बाट से रह रही हैं हसीना खान के अकाउंट से इस लक्ष्मी के अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये डाले जा रहे हैं हसीना खान यस सर यहाँ की बड़ी पॉलिटिशियन है लेकिन एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के अकाउंट से एक मेड के अकाउंट में हर महीने 50,000 किस चीज़ के डाले जाते हैं बुलाओ जरा पूरा गाँव कब्रिस्तान बन जाएगा यही चाहते हैं ना आप लोग तभी जाकर शांति मिलेगी ना आप लोगों को देखिए हमने पानी की जांच करवाई है पानी में अमोनिया नहीं है पहले मेरी बेटी मर गई और अब खुशी अगर पानी में अमोनिया नहीं है तो फिर ये लोग कैसे मरे दीजिए जवाब कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास कुछ नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं करेंगे खुशी
तुम्हारे खाते में हर महीने 50,000 आते हैं। कहाँ से आते हैं, किस बात के आते हैं? और ये 50,000 तुम्हारे अकाउंट में रूपाली के कत्ल के बाद से आने शुरू हुए। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दो, बचा लूंगा। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये घर, ये पैसा, ये दुकान, सब सब हसीना मैडम ने दिया साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। इस थैली में ऐसा क्या है जो हमें देखते अचानक से रख दिया ऐसे? लगता है अमोनिया है। यहाँ तो हर घर में मिलता है। हर घर में मिलता होगा साहब, पर हमारे घर में नहीं। छोटा बेटा है मेरा, घर गलती से भी कुछ हो गया तो ये तो चींटियों का आटा है। बेटा आप जरा अंदर जाओ। शाबाश, हमने पता किया तुम्हारे बारे में। 2 साल पहले तुम्हारी सास मर गई थी और उसके बाद तुम्हारा पति। आपको हमारे खिलाफ जांच पड़ताल करनी है ना, कीजिए, तसल्ली से कीजिए। तो इस जिल्लत की आदत हो गई है। सुची की शादी की तैयारी कर रहे थे हम लोग, जब मेरे पति को गिरफ्तार किया गया एक झूठे इल्जाम में। इतने सालों हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि हम बाजार जाते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। लोग हमारा रेट पूछते हैं। तो आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए। जिस पुलिस ने मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया, जिस कानून ने उन्हें सजा दी, ऐसे पुलिस और कानून पर क्या विश्वास करूं? हाँ जी, कहिए क्या बात करनी है? 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।